आपके बालों में से शाइन चला गया है? वो एकदम रूखे सूखे हो गए हैं। और क्या आपके बालों में हाथ लगाने का आपको मन नहीं करता है? डैंड्रफ हो रहा है, स्प्लिटल हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है? तो वही आज कुछ टिप्स लेके आई, तो जो यूज करके आप लोग बहुत ही अच्छा है कि यार पा सकती हो। तो चलिए वीडियो में जाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नवनीता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूमी थी। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा होममेड रेमेडी लेके आई हूँ हेयर के लिए, और ये होममेड रेमेडी आप लोग यूज़ करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकती हूँ। और ये जो मैं आज होममेड रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ये बहुत ही इजीली घर पे मिल जाता है। और आप लोग जो हेयर का जो प्रॉब्लम है वो लेके पार्लर जाते हो या कोई ट्रीटमेंट कराते हो, उसमें बहुत ही पैसा लग जाता है। तो ये आप लोग घर पे करो तो बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो होममेड रेमेडी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, ये बहुत ही इफेक्टिव है एंड ये यूज़ करके आप बहुत ही एक शाइनी एंड बाउंसी बॉल लग पा सकते हो। तो मेरा बाल कुछ दिन से एकदम नराफ हो गया था और मेरा बालों में हाथ लगाने का मुझे मन भी नहीं हो रहा था, इतना डैमेज हो गया था मेरा बाल। तो मैं पार्लर में भी नहीं जाती हूँ, और जो जो एक दो महीना बाद बाद या 15 डेज के बीच बीच में मैं घर पे ही कुछ होममेड जो रेमेडी होता है वो फॉलो कर लेती हूँ। तो मैं कभी पार्लर नहीं जाती हूँ, तो इसीलिए मेरा बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा हेयर भी बहुत ही डैमेज हो जाता है एकदम। मैं ही होममेड रेसिपी कैसे बनाती हूँ, मैं कैसे अप्लाई करती हूँ और क्या क्या मैं करती हूँ, क्या क्या स्टेप मैं फॉलो करती हूँ, चलिए आप लोगों के साथ मैं एकदम सब कुछ शेयर करती हूँ। तो चलिए, तो सामने आ रहा है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में आप लोग ये हेयर ट्रीटमेंट, हेयर रेमेडी घर पे करके कैसे शाइनी सा एक हेयर पा सकते हो, वही आज आप लोगों के साथ मैं लेके आई हूँ दिखाने के लिए। और सामने ही बंगाली का सबसे बड़ा फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में हर कोई चाहता है जो बहुत अच्छा लगे उनका हेयर, उनका स्किन। तो मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए आज हेयर का कुछ रेमेडी। तो कुछ दिन आगे मैंने स्किन का एक रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो भी बहुत अच्छा था। तो आप लोग नहीं देखे हो प्लीज आप लोग चेक कर लेना, तो आई बटन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। फर्स्ट जो स्टेप है वो है आप लोगों का जो फेवरेट ऑयल है उससे थोड़ा ऑयलिंग कीजिए और उसके बाद स्टीम लीजिए। तो मैं देखिए ऑयल मैं लगा चुकी हूँ, अभी मैं करूँगी स्टीमिंग। तो हेयर में स्टीमिंग करने पर हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोग ऑयल करने के बाद स्टीम करना, स्टीमिंग देना, इसके वजह से आप लोगों का जो हेयर का जो जो प्रॉब्लम है वो आप लोग उसके लिए जो हेयर मार्क्स या जो कोई भी आप लोग यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब होगा आपके हेयर पे और बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इधर पे है एलोवेरा, तो एलोवेरा मैंने ले लिया है। तो एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो एलोवेरा हैज़ मेनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड मिनरल्स दैट कैन हेल्प स्ट्रेंथ योर हेयर एंड कंट्रोल ग्रेसी हेयर, प्रोटेक्शन फॉर यूवी डैमेज एंड हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और बालों में शाइन लाने के लिए एलोवेरा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और सेकेंड जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये है लेमन। लेमन तो विटामिन सी से लोडेड है, बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट्स है जो घर पे ही मिल जाता है और नेचुरली लाइटन द हेयर कलर, इम्प्रूव हेयर ग्रोथ, रिड्यूसिंग डैंड्रफ, मेकिंग हेयर शाइन। तो शाइन करने में भी एलोवेरा बहुत ही हेल्प करता है। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी, यहाँ पे 10 रुपये का कॉफ़ी, ये हाफ लगेगा मेरा। तो कॉफ़ी में है एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारा, तो ये जो हेयर ग्रोथ है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और हेयर में जो शाइन है वो लाने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। और देखिए ये तीनों चीज़ मैं मिला के अभी एक पैक बना लूँगी। ये ब्लेंडर मैंने ले लिया है, अभी ब्लेंडर में ये तीनों चीज़ मिला के अभी मैं एक पैक बना लूँगी। तो देखिए ये 3 इंग्रेडिएंट्स मिला के मैंने एक पैक बना लिया है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी मेरा फेवरेट शैम्पू। आप लोग जो शैम्पू यूज़ करते हो वो शैम्पू इस पर ऐड कर देना। और ये हो गया, रेडी हो गया ये पैक लगाने के लिए। और ये भी मैं इसको
बाद मेरा जो हेयर है देखिए कितना शाइन कर रहा है और इतना वॉल्यूम आ गया है मेरा हेयर में, क्या बताओ, बहुत ही वॉल्यूम भी आ गया है मेरा जो हेयर है हेयर में। और सामने तो दुर्गा पूजा आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना। तो वन टाइम यूज़ करने के बाद मेरा जो हेयर का शाइन है देखिए कितना अच्छा शाइन दे रहा है मेरा जो हेयर है वो, और बहुत ही वॉल्यूम हुआ है मेरा हेयर। एक बार ये रेमेडी मैं यूज़ आज भी की हूँ तो एक बार में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो महीने में दो बार मैं करूँगी तो कितना अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप लोग भी ट्राई करना महीने में दो बार 15 डेज में एक ये रेमेडी आप लोग यूज़ करना, और 15 डे के बाद फिर से ये रेमेडी आप लोग यूज़ करना। तो कैसा लगा मेरा ये होम मेड रेमेडी आप लोगों को, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल।